सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई करते होंगे पूरी मेहनत से। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर। पिछले क्लास में आप लोगों ने य, र, ल, व, श इन वर्णों से शब्द बनाया। आज श वर्ण से शब्द बनाएंगे। तो देखिए क्या क्या होता है। वर्णों से शब्द बनाए। वर्णों से शब्द बनाए आप लोगों ने य, र, ल, व, श इन वर्णों तक बना लिया था। आज श वर्ण से बनाएंगे। इसे क्या कहते हैं बच्चों? श को मूर्धन्य ष। इसे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ बोलने से ही आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो इसको बोलने के लिए थोड़ी जोर देने पड़ते हैं और इसे हम बोलेंगे श, श हवा निकाल करके। ठीक है, अब हम श से जानेंगे क्या क्या होता है। श से षट्पदी, षट्पदी। ठीक है, श से षट्पदी, फिर श से षट पद, षट पद, फिर श से षट कोण, श से षट कोण, फिर श से षष्ट। ओके, श से षष्ट होगा। ठीक है, श से षष्ट। आइए पढ़ते हैं इसे हम। श से षट्पदी, श से षट्पद, श से षट्कोण, श से षष्ट। फिर से देख लीजिए बच्चों, पहले नंबर तो इसे बोलने का उच्चारण समझ लीजिए, कैसे बोलना है। बोलिए श। क्या बोलिएगा? श बोलिए, ऐसे सीटी की तरह निकाल करके हल्का स को थोड़ा जोर देना है। ऐसे बोलिए श, श। ठीक है, फिर श से क्या होगा? षट्पद, और ये है षट्पदी। क्या है? श से षट्पदी, श से षट्पद, श से षट्कोण, श से षष्ट। ओके, अब क्या करना है इसमें बच्चों? जानना है इसका, ये जो शब्द हम हैं लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है। तो श से षट्पदी एक प्रकार का कीड़ा है, जिसे हम मधुमक्खी भी बोल सकते हैं, मधुमक्खी ही है, समझिए। श से षट्पदी एक छोटा कीड़ा, इसका डंक देता बहुत ही पीरा। ये जो षट्पदी है
वो जब काटता है, डंक मारता है, तो बहुत दर्द होते हैं, ठीक है, पीड़ा होता है, इसे बोलते हैं हम षटपदी। फिर क्या है बच्चों? षटपद, श से षटपद, ये भी एक प्रकार का कीड़ा ही है जिसके छह पैर हैं। छह पैर वाले कीड़े को हम षटपद बोलते हैं। फिर क्या है? श से षटकोण। षटकोण क्या है? एक आकृति है जिसमें छह कोण होते हैं, समझ गए? फिर श से षष्ट। षष्ट मीन्स छह होते हैं, यानी कि छह, सिक्स, ठीक है, षष्ट मीन्स छह। अब हम जानेंगे षटपदी के बारे में। षटपदी क्या है? पहला है षटपदी, क्या है बताइए बच्चों? प्रश्न है षटपदी क्या है, तो इसका उत्तर है कीड़ा। षटपदी क्या है बच्चों? कीड़ा है, ठीक है। फिर षटपदी कैसे उड़ते हैं बताइए? दूसरा प्रश्न है षटपदी कैसे उड़ते हैं बताइए? षटपदी कैसे उड़ते हैं? जैसे कि बहुत सारे कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े, मक्खी वगैरह हैं, वो कैसे उड़ते हैं, क्या चीज़ के सहारे? तो इसका उत्तर है पंखों के सहारे, ठीक है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने पंखों के सहारे उड़ते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? षटपदी कैसे उड़ते हैं? पंखों से, सॉरी के लिखा गया है, पंखों से, पंखों से, ठीक है ना। अब है षटपदी के कितने पैर होते हैं? षटपदी के कितने पैर होते हैं? षटपदी के कितने पैर होते हैं बच्चों? कौन बताएगा बताइए? छह पैर। कितने पैर? छह पैर होते हैं षटपदी के, ठीक है ना। अब है षटपदी कैसे काटते हैं? षटपदी कैसे काटते हैं बच्चों? षटपदी कैसे काटते हैं? तो इसका उत्तर है डंक मारकर, ठीक है ना, डंक मारकर, समझ गए? षटपदी कैसे काटते हैं? डंक मारकर, ओके, यानी वो अपने पंखों को, अपने पंजों को चुभा देते हैं, उसे ही बोलते हैं डंक मारना। फिर से पढ़ लीजिए, श से षटपदी, श से षटपद, श से षटकोण, श से षष्ट।
श से षटपदी क्या है बताइए। षटपदी क्या है? इसका उत्तर है कीरा। क्या है बच्चों? कीरा। दूसरा है षटपदी कैसे उड़ते हैं बताइए, किस चीज़ के सहारे उड़ते हैं? तो षटपदी पंखों से उड़ते हैं। क्या चीज़ से? पंखों से। फिर है षटपदी के कितने पैर होते हैं बताइए, षटपदी के 6 पैर होते हैं। समझ गए? सबसे नीचे है षटपदी कैसे काटते हैं बताइए, षटपदी कैसे काटते हैं? इसका उत्तर है बच्चों डंक मारकर। ओके, षटपदी डंक मारकर काटते हैं। ओके, तो ये आपका श से श वन से शब्द बना। आपने इसे पढ़ा, आपने इसे समझा, आप इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।